एक बार की बात है, रामपुर गांव के एक स्कूल में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। बच्चे स्कूल के लिए सुंदर सुंदर दिए बनाकर लेकर आते हैं। स्कूल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। स्कूल बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। 12th क्लास के बच्चे स्कूल में सुंदर सुंदर रंगोलियां भी बनाते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि इस स्कूल में दिवाली बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, तो प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहती हैं, बच्चों दिवाली की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल स्कूल में दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमेशा की तरह तुम्हें पता ही होगा कि इस स्कूल में बम पटाखे लेकर आना सख्त मना है, इसलिए कोई भी पटाखे नहीं लेकर आएगा। समझ गए? प्रिंसिपल मैम, पटाखों से ही तो दिवाली की असली रौनक होती है। आप हमें स्कूल में पटाखे क्यों नहीं चलाने देती? हम अच्छे वाले पटाखे लेकर आएंगे। प्लीज प्रिंसिपल मैम, प्लीज हमें पटाखे लेकर आने दीजिए ना। घर पर मम्मी पापा पटाखे नहीं चलाने देते और स्कूल में आप, हमारी दिवाली तो रूखी सूखी ही जाती है। बच्चों, पटाखे जलाने से एक तो आग लगने का डर होता है और ऊपर से कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, और वही पोल्यूशन हमारे लिए हानिकारक होता है। हम जैसे पढ़े लिखे इंसान अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो और लोग कैसे समझेंगे? पहल तो हमें ही करनी चाहिए। इसलिए इस स्कूल में सिर्फ अगर किसी को जलानी है तो थोड़ी बहुत फुलझड़ियां जला लेना, ठीक है? प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को समझा देती हैं। कुछ बच्चे खुश होते हैं और कुछ बच्चे पटाखे ना चलाने की वजह से थोड़े से दुखी होते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं और वहाँ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं, और वो फुलझड़ियां भी जलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के कुछ शरारती बच्चे स्कूल के पीछे वाले हिस्से में दिवाली सेलिब्रेट करने जाते हैं। मिताली, अगर यहाँ हमें किसी ने देख लिया तो तू सोच भी नहीं सकती कि हमारा क्या होगा। हमें प्रिंसिपल मैम और हमारी क्लास टीचर से कोई नहीं बचा सकता। देख मिताली, अभी भी समय है, चल वापस चलते हैं। मैं जो अपने साथ इतने सारे पटाखे लेकर आई हूँ उसका क्या होगा? हमारे स्कूल के बराबर में घर है, किसी को पता नहीं चलेगा कि पटाखे हमने जलाए हैं। सबको यही लगेगा कि बाहर दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, किसी को हमारे ऊपर शक नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तू इसी तरह से डरती रही तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। मिताली, तू हमेशा ऐसा ही करती है, किसी की नहीं सुनती। पिछले साल भी तूने बहुत सारे बम पटाखे जलाए थे और तुझे पता है ना क्या हुआ था? प्लीज मिताली, मुझे डर लग रहा है, चल चलते हैं। रेखा बार बार मिताली को समझाती है कि उनका यहाँ रुकना ठीक नहीं, लेकिन मिताली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। और उसके बाद वो बम पटाखे जलाती हैं और कुछ समय बाद वहाँ से वापस आ जाती हैं। और जब वापस आकर देखती हैं तो स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। मिताली, मुझे लगता है सब जा चुके हैं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल मैम हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? अब क्या होगा? क्या हम पूरी रात यहाँ स्कूल में बंद रहेंगे? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मिताली, यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ, सिर्फ तेरी वजह से। हाँ रेखा, बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब कुछ मिताली की वजह से ही हुआ है। हमेशा अपने ही चलाती रहती है, किसी की तो सुनती ही नहीं। देख, तेरी वजह से हम स्कूल में बंद हो गए और दिवाली वाले दिन हम यहाँ बंद रहेंगे। सब अपने अपने घरों में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और हम यहाँ अंधेरे में स्कूल के अंदर बंद रहेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं कि वो दिवाली की रात को स्कूल में बंद हैं। वो चारों एक जगह बैठे हुए थे, तभी मिताली को ऐसा लगता है जैसे स्कूल में कोई हो, उसे किसी का साया नजर आता है। यह देखकर मिताली कहती है, मैंने अभी यहाँ किसी की परछाई देखी, यहाँ कोई है। हाँ, मैंने अभी यहाँ किसी की परछाई देखी, इसका मतलब हमारे सिवा यहाँ और कोई भी है। कौन है वहाँ? कौन?
कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? मिताली, यह तो क्या कर रही है? हमने वहाँ किसी की परछाई नहीं देखी। तू हमें डराने की कोशिश कर रही है ना? देख मिताली, ऐसा मत कर। यहाँ कोई भी नहीं है। देख, पूरे स्कूल में कोई भी नहीं है। ऐसा मत कर। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुझे मजाक करने की आदत है, लेकिन यह अच्छा मजाक नहीं। हमें पहले ही इतना डर लग रहा है और ऊपर से तू ऐसी बातें कर रही है। देख मिताली, ये अच्छी बात नहीं। यार तुम्हें हो क्या गया है? मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मैं पागल नहीं हूँ। मैंने यहाँ सच में किसी की परछाई देखी है। यहाँ कोई तो था। मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो, मैंने दोबारा से यहाँ किसी का साया देखा है। वह उस तरफ गया है, सच में। रेखा, सुरभि और नैना को लग रहा था कि जैसे मिताली मजाक कर रही हो, उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मिताली झूठ नहीं बोल रही थी। इस स्कूल में उसे सच में किसी का साया नजर आ रहा था। जब उसे दोबारा से इस स्कूल में साया नजर आता है तो वो उसके पीछे जाती है। तभी मिताली को इस स्कूल में पायल की छम 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 आवाज आती है। ये आवाज सुनकर मिताली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके बाद इस स्कूल में म्यूजिक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। यह आवाज सुनकर रेखा, सुरभि और नैना भी डर जाती हैं। स्कूल में म्यूजिक की आवाज? कौन है यहाँ? कौन है? आखिर हमारे सिवा इस स्कूल में और कौन है? यह म्यूजिक की आवाज स्कूल से ही तो आ रही है। सिर्फ म्यूजिक की आवाज ही नहीं, देख पटाखों की भी आवाज आ रही है। चल, पटाखों की आवाज तो बाहर से भी आ सकती है, क्योंकि आज दिवाली है, सब पटाखे चला रहे होंगे। लेकिन यह म्यूजिक की आवाज तो यही स्कूल से आ रही है। कौन है यहाँ? कहीं मिताली ने ठीक ही तो नहीं कहा? उसने यहाँ स्कूल में किसी का साया सच में ही तो नहीं देखा? स्कूल में कहीं आत्माएं तो नहीं भटकती? और वो मिताली को स्कूल में ढूंढने लगती है। तभी उन्हें स्कूल में एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कंकाल कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरा पैर छोड़ो। मेरा पैर छोड़ो। कौन है यहाँ? अंधेरे में तीनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुरभि को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो, लेकिन जब सुरभि ध्यान से देखती है तो उसका पैर क्लास के एक दरवाजे में अटका हुआ था। और उसके बाद वो तीनों उस कंकाल को देखकर वहां से जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिताली भी इस स्कूल में इधर उधर भटक रही थी। उसे वो तीनों नजर नहीं आ रही थी। तभी मिताली को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और मिताली के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। सुरभि, रेखा, नैना, तुमने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा है? और तुम्हारा हाथ इतना भारी क्यों लग रहा है? तुम हो ना मेरे पीछे? ना मैं रेखा हूँ, ना मैं सुरभि हूँ, और ना ही मैं नैना हूँ। मैं तो हूँ चमेली। चमेली? कौन चमेली? इस स्कूल में हमारे सिवा और कौन है? तुम हो कौन? मैं किसी चमेली को नहीं जानती। मैं किसी चमेली को नहीं जानती। पीछे मुड़कर देखो। चमेली के इतना कहते ही जैसे ही मिताली पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो चमेली कोई आम इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल थी। और वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और उस चुड़ैल ने मिताली जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो मिताली को देखकर मुस्कुरा रही थी।
बहुत बहुत स्कूल में इतना ज्यादा डरावना भूत, और तुम तो स्टूडेंट लग रही हो, हमारी ही जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? इस स्कूल में सिर्फ मैं ही नहीं और भी भूत हैं। आज दिवाली है ना, तो आज हम सब भूतों की भी दिवाली है। क्या तुम हमारे साथ भूतिया दिवाली सेलिब्रेट करोगी? क्या इस स्कूल में भूतिया दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है? हाँ हाँ, यहाँ बहुत सारे भूतिया स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे भूतिया टीचर हैं, और हम स्कूल में ही रहते हैं और सारे त्योहार यहाँ स्कूल में ही सेलिब्रेट करते हैं, और हम भूतिया दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा, डरो नहीं, हम बुरे भूत नहीं हैं, हम अच्छे भूत हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। मिताली चमेली की आंखों को ही देख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था वो भूतिया स्टूडेंट से बात कर रही है, और वो भूतिया स्टूडेंट भूतिया दिवाली सेलिब्रेट करने की बात कर रही थी। मिताली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है। वो तीनों भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मिताली, तेरी वजह से हम इस स्कूल में फंसे हैं। तुझे पता है रात में हमारे स्कूल में आत्माएं भटकती हैं। यह स्कूल रात में बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। इस स्कूल में आत्माएं हैं और वो हमें मार देंगी। दिवाली वाले दिन हम मर जाएंगे सिर्फ तेरी वजह से। हाँ मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम सब यहाँ फंसे हो, लेकिन तुम्हें भी तो पटाखे जलाने थे। और जब मैं कह रही थी कि यहाँ मैंने किसी को देखा है, किसी का साया देखा है, तो तुम्हें लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम तो हमेशा मुझे छोटी ही समझती हो। हाँ, इस स्कूल में भूत हैं, भूतिया स्टूडेंट और भूतिया टीचर्स, और वो भूतिया दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है। मिताली, यह तो क्या कह रही है? हमारे स्कूल में भूतिया दिवाली सेलिब्रेट हो रही है और उन सभी भूतों ने हमें इनवाइट भी किया है? हाँ, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ स्कूल में भूतिया दिवाली सेलिब्रेट हो रही है और मैंने तुम सबको इनवाइट किया है। तुम्हारा हमारी भूतिया दिवाली में बहुत बहुत स्वागत है। भूत भूत कोई है, हमें इस भूत से बचाओ। ये कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। कोई है, हमें इस भूत से बचाओ। वो भूतिया स्टूडेंट चारों को समझाती है कि वो बुरी नहीं है, और उसके बाद वो भूतिया स्टूडेंट चारों को अपने साथ वहाँ ले जाती है जहाँ सभी भूतिया स्टूडेंट्स और भूतिया टीचर थी, और वो सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। ये सब देखकर वो चारों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तभी एक चुड़ैल चमेली से कहती है, आज दिवाली है, आज के दिन हम किसी का शिकार नहीं करेंगे। तो इन चारों को जहाँ से लेकर आई है वहाँ छोड़कर आ। तुझे पता है ना, इंसानी खून की खुशबू सूंघकर मुझसे रहा नहीं जाता। तू इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई है? जा, इन्हें जहाँ से लेकर आई है वहीं छोड़कर आ। चुड़ैल प्रिंसिपल, यह चारों स्कूल में फंस गई हैं। आप तो जानती ही हैं कि रात को स्कूल में कोई नहीं आता, ये कहाँ जाएंगी? और आज दिवाली है, दिवाली सेलिब्रेट करना तो सबका अधिकार है। यह खुशियों का त्योहार है, और दिवाली वाले दिन ये चारों एक कोने में फूट फूट कर बैठ कर रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ भूतिया दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आई हूँ। कभी मैं भी इस स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी, और ये सभी स्टूडेंट्स इस स्कूल में पढ़ा करती थी, और ये सभी टीचर्स इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन एक दिन एक हादसे ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली, और हम सब आग में जलकर मर गए। और उस दिन से लेकर आज तक हमारी आत्मा यहाँ इस स्कूल में भटक रही है। हम किसी को कोई नुकसान
नहीं पहुंचाते और हम यहाँ हर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हमारी भूतिया दिवाली में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद वो चारों उन सभी भूतों के साथ भूतिया दिवाली सेलिब्रेट करती हैं। चारों भूतों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तभी चुड़ैल प्रिंसिपल कहती है, अब हम यहाँ और नहीं रहना चाहते, हमें मुक्ति चाहिए। क्या तुम हमें मुक्ति दिलवा सकती हो? हमें यहाँ से जाना है, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ हाँ, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सबको मुक्ति मिल जाएगी। और वो चारों उन सभी भूतों को मुक्ति दिलाने का वादा कर लेती हैं। एक दिन वो अपने ही गांव के एक तांत्रिक बाबा को रात के समय स्कूल में लेकर आती हैं और उसके बाद वो तांत्रिक बाबा उन सभी को मुक्ति दिला देते हैं। वो सब इस स्कूल को छोड़कर चली जाती हैं और उन चारों को धन्यवाद भी कहती हैं।